बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली वालों को बस पास बनाने के लिए बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। राजधानी दिल्ली के सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों के यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन बस पास की डिजिटल डिलीवरी सुविधा शुरू कर दी है। बुधवार को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस सुविधा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर परिवहन आयुक्त मनीषा सक्सेना, दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी के प्रबंधक निदेशक विजय कुमार भिडूरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने खुद भी बस पास के लिए आवेदन किया। उन्होंने कहा कि आज इस सेवा का उपयोग करने के बाद मैं दिल्ली के नागरिकों को आश्वस्त कर सकता हूं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में चल रहे स्मार्ट कैशलेस और संपर्क रहित परिवहन क्रांति की दिशा में ये अगला बड़ा कदम है जो महामारी के समय बहुत महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन डीटीसी बस पास की डिजिटल डिलीवरी सुविधा 24 घंटे सातों दिन परिचालित सेवा प्रणाली है। इसका इस्तेमाल डीटीसी और क्लस्टर बसों में सभी प्रकार के बस पास जारी करने के लिए किया जा सकता है। ऑनलाइन बस पास प्राप्त करने के लिए आवेदक कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को अपना नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि आदि को भरना होगा और पोर्टल पर फोटो अपलोड करना होगा। भुगतान डिजिटल किया जा सकता है। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।